सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी ब्लॉग। और अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून को। क्लियर से अपने ट्रिप कंप्लीट करके हम लोग जा रहे हैं देहरादून को। और इस समय हम है चोली साहबुद्दीन के अंदर और अब जाना है हमको देहरादून। तो ऋषिकेश का तो हम कैंसिल कर चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं देहरादून। फिर कभी नेक्स्ट ट्रिप देखेंगे शिमला की या देख सकते हैं। देहरादून हाईवे है अपना क्लियर का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद जो काम क्लियर के लिए हम गए थे वो कंप्लीट हो चुका है और अब जा रहे हैं हम देहरादून के लिए। यहाँ से देहरादून होगा लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे। 50 किलोमीटर दूर देहरादून है अपना। चला सकता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ पीर सब चला दे क्या खाई, एक चक्कर खाई। अरे मुस्कुराहट आ गई है सभी लोगों के, क्योंकि खाने को देख के जान में जान पड़ गई है। और चाहिए था यहाँ नॉन वेज, तो नॉन वेज भी दिख गया है। खुशबू भी आ रही है। पूरी मार्केट खाने की है, अब जाकर सुकून मिला। तो अब पहले खाना खाएंगे और फिर चलते हैं आगे। तो गाइस भूख के मारा दम निकला हुआ, तो साथ में डॉक्टर साहब और भी वे भूख ज्यादा तेज लगी, तो इसलिए हमने यहाँ रुक गए। हम लोग रुक चुके हैं दून मुगल पे, वेज एंड नॉन वेज। ये डॉक्टर साहब मजे ले रहे हैं और इस समय हम आ चुके हैं भैया रेस्टोरेंट के अंदर। भूख लग रही है जबरदस्त। तो अंदर हमने ऑर्डर कर चुका है दो डिश का, अब देखना है कितना टाइम लगेगा खाने में। टाइम तो और ज्यादा लगेगा शायद, लेकिन लगना नहीं चाहिए ज्यादा टाइम खाने का। सुबह का नाश्ता करके निकले हुए हैं। हाँ भाई, जो सुबह का ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा सा लंच किया था हमने, उसके बाद तो सब टाइम मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है। बाग में कुछ मिला नहीं खाने के लिए, कॉफी भी नहीं, पता नहीं है अभी। सुबह खाना पीना खा कर हमारे शरीर में पड़ चुकी है जान, जान। अब देखना कि कहाँ जाना है। अब हमारा जो इरादा है रात यही सो गए, सुबह पूरा जाने का। टिकटों की हालत ऐसी कर दी जैसे मैदान जंग फतेह हो गया हो, खा पी गए। सो फाइनली गाइस खाना पीना खा कर हम लोग चल रहे हैं। अब पहले एक मॉल है यहाँ पैसिफिक मॉल, वहाँ चलते हैं, वहाँ का देखते हैं क्या सीन है। वहीं मिलते हैं आप सब लोगों को। और डॉक्टर साहब बढ़िया भाई, बढ़िया। सो गाइस लिफ्ट से बाहर आने के बाद हम आ चुके हैं अंदर पैसिफिक मॉल के अंदर। पैसिफिक मॉल के अंदर गजब का मॉल है भाई। अपने मेरठ से तो किसी का देहरादून आना हो तो इसमें मॉल में जरूर घूम के जाए। ये देखिए लोग मजे ले रहे हैं, ये अपने ये देख सकते हो आप। कहाँ से आए? अरे जरा हम पढ़ रहे हैं, लिखने के लिए। हाँ। सो गाइस इस समय हम पैसिफिक मॉल के अंदर है और अभी डॉक्टर आरिफ साहब के वाइफ का फोन आया कि आप वहाँ हो तो मेरे लिए जरा शॉपिंग करके ले आना कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें। और रात को सलामत है, इनको धमकी भी मिल चुकी है कि रात को आना, अब रात को चलना पड़ सकता है हमको देहरादून से। चलो देखते हैं क्या करना होगा हमको। तो ये मुदस्सिर भाई लग चुके सामान चेक करने, लेना वेना कुछ नहीं, बस चेक कर रहे खाली पीली लेना है सच में। अरे हाँ दर्शन कर लो आप भगवान जी के। तो भैया ये असला है ऊपर और ये नीचे बाकी सारा सामान है। सो यार यहाँ तो बहुत सारा सामान बड़ा कॉस्टली है, अपनी हैसियत से बाहर है। हर जगह हम यहाँ कुछ खरीदने में तो मजे लेना है, देखना है क्यों जी पीर साहब। बिल्कुल सही बात है। गाय जी ने पूरे 5 मिनट होगी लिफ्ट को कभी ऊपर कर रहे कभी नीचे कर रहे, पर इन पर लिफ्ट एक सही एक्चुअल फ्लोर पर नहीं जा पा रही। क्या कर रहे हो दर्शक भाई लोग? आगे वाह वाह वाह, आपका तो आगे। ये देखे व्यू। सो गाय जी इस समय ये देखिए, ये पैसिफिक मॉल के अंदर का है सबसे लास्ट ऊपर वाले फ्लोर का पंची। सो भैया इस पर मुदस्सिर भैया जिद कर रहे हैं बैठने की, मुझे तो इसी पे बैठना बच्चों की तरह, देखते हैं उनको मना रहे हैं। सो गाइस इन सब ने तो अपने लिए करे हैं कैन ऑर्डर और मैंने करी अपने लिए चाय, क्योंकि अपना तो एक असूल है जहाँ देखी चाय वहीं फिसल के अनस भाई। तो हमने तो अपने लिए चाय ऑर्डर करी है। आप भी चाय पियोगे? यस। तो एक और भाई पार्टी में, ये अपने डॉक्टर साहब भी हैं पार्टी वाले चाय के। तो ये एक चाय हम और अपनी चाय आ चुकी है, ये देखिए। सो गाइस हमने चाय तो लिया पर चाय का स्वाद बिल्कुल बकवास है, इससे बेहतर चाय हम अपने घर पी लेंगे। और कोई हमें इनवाइट करता है तो तब भी वहाँ इनविटेशन में अच्छी चाय मिलती है, बिल्कुल बेकार, लेकिन पीनी पड़ रही है क्योंकि 80 रुपये फूके हैं। तो भैया मॉल में घूमते घूमते हम गए हैं थक, थोड़ा सा आराम करें। ये अपने डॉक्टर साहब और ये बैठे, हम तो हैं
ये और दो और दिखाते हैं आपको। सो गाइस, डॉक्टर साहब को ख़रीदनी है एक पैंट और एक शर्ट, तो आ गए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे को यादगार रखनी है। और इनकी भैया वाइफ का भी फ़ोन आया, डर के मारे ख़रीदनी पड़ेगी इन्हें, क्यों जी। सो गाइस, भाई ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी बिल्डिंग ऐसी लग रही है जैसे रियली हो, ये देखिए। तो भाई रुक के हमने करा है पहले चाय, क्योंकि ठंड सी महसूस हो रही है, तो यहाँ पहले पी रहे हम लोग चाय। चाय का तो दीवाने हैं, उनकी चाय से लाख बेहतर है ये वाली चाय, और मॉल वाले की चाय से, मॉल वाली चाय से ये वाली चाय बेहतर है। भैया ये मुदस्सिर भैया आ रहे हैं अपने, ये मुदस्सिर भैया आ रहे हैं लुढ़कते भुड़कते, चला भी ना जा रहा गुरु जी पे, चलो बढ़िया। सो गाइस हमने लिया है यहाँ पर रूम, और अपने थार कर दिया यहाँ पर पार्क, दिखाते हैं। सो गाइज हमने लिया है ये वाला रूम मंसूरी के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ रूम। ये पांच जने हैं हम लोग, ये अपना रूम है, जैसे भी है गरीबों का रूम है ये अपना। दो बंदे यहाँ सोएंगे, एक बंदा वहाँ और दो बंदे यहाँ पर। सो गाइज इस समय हम लोग आ गए अपने रूम में, ये अपने रूम में हम लोग आराम कर रहे हैं। इस टाइम टाइम हो रहा है लगभग 11:15 का, 11:15 हो ना, 11:15 हो रहा है, सही हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल हम मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं अभी। सो फाइनली गाइस इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। मंसूरी तो हम दिखा नहीं पाए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ा सा दिखाया था मंसूरी का सीन, तो इसके लिए माजर चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ हमको जाना है इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग होगा वो और अच्छा होगा इससे भी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।